बात करूंगी और उसके बाद राम कृपाल जी के पास जाऊंगी। निगत मुझे एक बात बताइए, पूरा 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 देश का भ्रमण करा दिया, 10 समस्याएं गिना दी, लेकिन एक चीज बताइए, आपके घर में महिला का सम्मान नहीं हो रहा है। प्रियंका चतुर्वेदी, रोज उनके साथ हमारी डिबेट्स होती है, रोज कांग्रेस पार्टी का पक्ष और विचारधारा वो शिद्दत से रखती हैं। आज ये दिन आ गया कि उनको ट्विटर पर आकर अपनी व्यथा कहनी पड़ रही है। अगर उस लेवल पर कांग्रेस पार्टी में कोई सुनवाई नहीं है एक महिला नेता की, तो बाकियों का क्या हाल होगा? राहुल गांधी देश को कौन सा न्याय देने की बात करते हैं? क्यों ना माने कि कांग्रेस का हाथ महिलाओं के न्याय के साथ है ही नहीं, क्यों ना माने? नेहा जी, श्रद्धा ज्ञान देती है, नम्रता मान देती है और योग्यता स्थान देती है, और जहां ये तीनों मिल जाए तो किसी भी व्यक्ति को सम्मान देती है। पर दुख की बात ये है कि इन तीनों में से कुछ भी कांग्रेस पार्टी के पास है ही नहीं। और ये बात जब आजम खान के इतने घटिया बयान के बाद जब प्रियंका गांधी जी और राहुल गांधी जी चुप्पी साध गए, क्या दर्शाता है? यही दर्शाता है कि ये महिला के विरोध है, महिला के खिलाफ कोई भी कुछ भी बात करेगा और ये अपने मुंह में दही जमा कर बैठे रहेंगे और आज भी यही कर रहे हैं। इनकी इतनी गद्दावर नेता है प्रियंका चतुर्वेदी जी। सही कहा उन्होंने कि वो रोज चैनल पर आकर बेचारी गालियां खाती हैं विपक्षियों से और आकर लड़ती हैं अपनी पार्टी के लिए, उन्हीं के पार्टी के लोग गुंडे उनके साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं। और इतने आप देखिए नेहा जी, कितनी महत्वपूर्ण बात है ये कि उनको इतनी शिद्दत, इतना बुरा लगा उन्हें और उनकी पार्टी में बात सुनी नहीं गई, तभी उन्हें सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म चुनना पड़ा, वो ट्विटर पे आकर उन्हें बताना पड़ा। क्यों? क्योंकि वो हेल्पलेस हो गई थी। और यहाँ पर दुष्यंत जी आकर उसी पार्टी को सम्मान दे रहे हैं, उसी पार्टी को डिफेंड कर रहे हैं। सम्मान देने लायक नहीं है क्या? आपने बोला कैसे उसी पार्टी को? क्योंकि आप आदर करिए, सम्मान दीजिए पहले आप बहन, इस देश का आदर करिए। अरे दुष्यंत जी, आप बताइए मुझे, आप बताइए आपसे महिलाओं के खिलाफ क्या हो रहा है? आप उसके पक्ष में पूछिए, बहन मायावती के विषय में इनकी पार्टी के नेता ने क्या बोला? अरे बता दीजिए, देश की जनता पूछ रही है क्या महिलाओं किया है देश की जनता? आपने क्या किया सुमित्रा महाजन जी का? सुमित्रा महाजन जी का टिकट काट दिया आपने, आपने उमा जी का टिकट काटा, आपकी बताइए कौन महिलाओं को आपने सम्मान दिया? आज देश देख रहा है आपका, आप बेनकाब है। आपने क्या किया है इस देश को? आपने बेरोजगारी की दलदल में धकेल दिया, जो बंद हो गए बहुत दुखद बात है कि यहाँ प्रवचन देने लग जाते हैं महिलाओं का झगड़ा आपके पास है, कद्दावर नेता की बात हो रही है। देश से माफी मांगे, रोजगार का आपने हलन किया है, एक मिनट जफर इस्लाम, एक मिनट जरा वापस मुद्दे पर आते हैं, छोड़िए ना, वहाँ कर आप ले जा रहे हैं देश के साथ, आप दुष्यंत जी आप बैठ जाइए वापस जाकर के, आप बैठिए दुष्यंत नागर जी, आप आइए बैठिए, आप बैठिए चुनाव आयुक्त दुष्यंत, एक मिनट प्लीज शांत हो जाइए, आप पहले बैठिए दुष्यंत नागर जी, आप आराम से बैठिए, माइक लगाइए, मैं आपके पास आती हूँ, मैं आती हूँ दुष्यंत जी, आप बैठिए आराम से बैठिए। जितने मेहमान हमारे पैनल पर आए सब बहुत सम्मानित है, निजी टिप्पणी कोई किसी पर ना करे, चर्चा यहाँ पर प्रियंका चतुर्वेदी और उनके ट्वीट को लेकर हो रही है कांग्रेस पार्टी पर, प्लीज निजी टिप्पणी ना करें, प्लीज अपना संयम ना खोए। एक मिनट, नहीं बहुत गलत बात है, एक मिनट आप पूछिए जो पूछना है पर मर्यादा में रहकर। निगत यही मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, कोई भी पर्सनल नहीं होगा, ये हमारा उद्देश्य नहीं है। रामकृपाल जी मत पूछिए ना जब भाई, आप नहीं कोई नहीं, एक मिनट शांत हो जाइए, अभी रामकृपाल जी बोलेंगे, एक मिनट दुष्यंत जी, जिन्होंने अपना जीवन लगा दिया दुष्यंत जी, भारतीय जनता पार्टी के दो
दुष्यंत जी, मैंने उनको भी रोका, शांत हो जाइए, देखिए ये ऐसा नहीं है, आप उनको बेइज्जत करके बाहर निकालेंगे, इसका कॉम्पिटिशन नहीं है ना, शांत हो जाइए, कॉम्पिटिशन है, आप बोल रहे हैं कि तो कैसे, हो गया सर, यूपी में कोई बेरोजगार।